हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ ना, बहुत सिंपल है, इजी है और टेस्टी भी है। तो ये है हमारा ट्राई कलर पिज्जा रेसिपी। खासकर बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी के लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, तो जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ तो आपको ये रेसिपी मिल सके। तो चलिए झटपट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ वो है हमारी कैप्सिकम ग्रीन कलर के लिए, और इसे मैंने इस तरीके से कट किया है। व्हाइट कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्याज, और हमारे ऑरेंज कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटर, जिसका मैंने जो रस वाला पार्ट है ना वो निकाल दिया है। तो लीजिए हमारे तीन कलर बिल्कुल रेडी हैं। और इसके साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ हमारे ब्रेड स्लाइस, मेयोनीज एंड टमाटो केचप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारे ब्रेड स्लाइस मैं यहाँ पे 4 ले रही हूँ, तो इनके जो कॉर्नर्स है ना, सबसे पहले इन्हें हम कट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें मैं कट कर लेती हूँ। तो लीजिए तीन साइड कट हो गई हैं, लास्ट साइड और फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ। तो ये भी हो गया है कट। तो हमारे सारे कॉर्नर्स कट हो गए हैं। तो ये देखिए अब इनमें हमें क्या करना है, पानी लगा लगा के इन सबको हम करेंगे ज्वाइन। तो फटाफट से आराम से इनमें हम पानी लगाते हैं, और एक एक करके आप ब्रेड स्लाइस को इस तरीके से आराम से डैप करते जाइए, तो ये आराम से चिपक जाएंगे। आप चाहें तो, अगर आपको लगता है तो बेलन से एक बार फ्लैट करके भी आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन मुझे ऐसी थोड़ी सी फ्लफी ब्रेड पसंद है इसलिए मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए कॉर्नर्स पे लगाने के बाद इसे थोड़ी सी देर आप रख दीजिए, तो ये अपने आप चिपक जाएगा। तो ये देखिए ये चिपक गई है। तो हमें राउंड शेप चाहिए, तो कोई भी एक प्लेट ले लीजिए जो इस पर फिट आ जाए, और एक्स्ट्रा ब्रेड को हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे भी मैं कट कर लेती हूँ। तो लीजिए ये हो गई हमारी ब्रेड कट, और हमारा एक राउंड शेप जो हमें चाहिए था वो शेप हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए, और थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए हम इसको जहाँ से आपको लगता है थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो लीजिए ये भी हो गया है कट। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करा है, एक पैन में बटर अच्छे से लगा दिया है, और इसमें अब हम क्या करेंगे, जल्दी से अपना जो हमने ब्रेड रेडी करी थी ना चिपका कर, वो रख देंगे, क्योंकि इसमें हम बाकी जो वेजिटेबल्स डालेंगे ना तब इसे उठाने में दिक्कत जाएगी। तो इसलिए मैं डायरेक्ट पैन में हमारी ब्रेड रख रही हूँ। ये हो गया हमारा चीज़, मेयोनीज, टमाटो केचप, और मेरी वेजिटेबल्स भी बिल्कुल मैंने पास में रख ली है। तो अब बनाते हैं हम हमारा ब्रेड ट्राई कलर पिज़्ज़ा रेसिपी। तो सबसे पहले लगा रहे हैं हम इसमें मेयोनीज। तो मेयोनीज को मैं अच्छी तरीके से पूरी ब्रेड पे लगा लेती हूँ। तो ये लीजिए अच्छी तरीके से हो गया ये स्प्रेड हमारी पूरी ब्रेड पिज्जा पे, सॉरी। अब बारी आती है हमारे टमाटो केचप की। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक अगर आपको लगता है तो आप ऐड कर सकते हो, और आप पिज्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं झटपट से बना रही हूँ तो मैं यूज़ कर रही हूँ केवल टमाटो केचप। तो इसे भी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है, और अब बारी आती है हमारे मेन हीरो यानी कि हमारे चीज़ की। तो चलिए फटाफट से मैं चीज़ डाल देते हैं। तो अच्छी तरीके से पूरी साइड पे अच्छे से मैं चीज़ लगा देती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे से चीज़ ज़्यादा नहीं डलता है तो मैं इसी को फैला देती हूँ। तो ये देखिए हमारा चीज़ डाल दिया मैंने जितना डालना था मुझे। अब बारी आती है हमारे वेजिटेबल्स की। तो मैं ये बीच से सर्कल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, और फटाफट से वेजिटेबल्स को पास पास पे रखती जा रही हूँ ताकि एक बाद में एक शेप इसका अच्छे से आए। ये देखिए तो ऑरेंज कलर रेडी हो गया है हमारा। अब बारी आती है हमारे दूसरे कलर की। तो अब दूसरे कलर के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारी प्याज। तो प्याज को भी फटाफट से एक डायरेक्शन में मैं लगाती जा रही हूँ ताकि वो एक सा प्रॉपर पैटर्न बनना जाए हमारे पिज्जा पे। तो ये देखिए हमारी जो प्याज है ना फटाफट से लगाती जा रही हूँ।
तो लीजिए, हमारी प्याज भी अच्छी तरीके से लग गई है। बाद में आप फिलिंग कर दीजिए जहाँ पे आपको कम लग रहा है। अब दो लेयर्स हमारी कंप्लीट हो गई है, थर्ड लेयर आती है हमारी कैप्सिकम की ग्रीन कलर की। तो बस ये तो झटपट से लग जाएगी, तो जल्दी से इसे हम लगा देते हैं। मेरे चैनल पर आपको ट्राई कलर सैंडविच की रेसिपी भी मिल जाएगी जो अभी आपको पॉपअप होगी, और आप ज़रूर उस रेसिपी को भी देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा मस्त रेसिपी है। तो ये देखिए हमारा तीनों लेयर्स बहुत अच्छे से लग गई हैं, एक सिस्टमैटिक वे में लग रही है। तो अब ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, है ना यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। तो बस अब इसमें हम डाल देते हैं हमारे ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स। तो सबसे पहले जा रहा है हमारा चिली फ्लेक्स। अब बारी आती है इसमें ऐड करने की हमारे ऑरिगैनो, और थोड़ा सा नमक भी आप डाल दीजिए ऊपर से, और लास्ट में वही थोड़ा सा चीज डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। तो बस चीज डाल के हमारा ट्राइकलर पिज्जा बिल्कुल रेडी है। तो बस अब इसको क्या करती हूँ मैं, फटाक से रख देती हूँ गैस पर। तो ये देखिए यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पिज्जा बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो बस इसे अब मैंने रख दिया गैस पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं रख रही हूँ इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए। आप एक बार बीच में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गए हैं 4 मिनट हो गए हैं, क्योंकि ब्रेड है तो बहुत जल्दी वो जल ना जाए, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लग रही हूँ। और ऊपर से हमारा चीज़ भी बिल्कुल मेल्ट हो गया है, क्योंकि मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, और बस इसे अब मैं कट कर लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है, एक तो फटाफट से बनने वाला है, और बच्चे आपके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी के सपोर्ट के लिए, चैनल के सपोर्ट के लिए आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, और याद से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं तो आप उस रेसिपी को देख सकें। तब तक बी सेफ, बी हेल्दी एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।